लोकतंत्र का महापर्व चुनाव यानी चुन लो नाव, एक ऐसी नाव जो अगले 5 वर्षों तक आपके हित और अहित के लिए कारगर साबित होंगे। ऐसे में मतदाताओं को जागरूक होना भी आवश्यक है। कुछ इसी उद्देश्य एवं सोच के साथ पर्जन्य बीएड कॉलेज पहाड़पुर बलियापुर धनबाद राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। जागरूकता अभियान बलियापुर प्रखंड के कुसमा टाट मोड़ से विभिन्न टोला से गुजरते हुए दुर्गा मंदिर परिसर पहुंची, जहां अभियान नुक्कड़ सभा में तब्दील हो गई। कार्यक्रम में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर स्मृति नागी के साथ साथ कॉलेज के शिक्षक शिक्षकेतर छात्र छात्राओं के साथ साथ पूर्व जिला परिषद सदस्य सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो की धर्मपत्नी तारा देवी की भी अहम भूमिका रही। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए आमंत्रित लोगों एवं छात्र छात्राओं के द्वारा कई सारी मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अपने अपने बातों को रखा गया। साथ ही साथ प्राचार्य द्वारा पूर्व जिला परिषद सदस्य तारा देवी को एवं अन्य आमंत्रित लोगों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ लोगों को मतदान के प्रति छात्र छात्राओं शिक्षक शिक्षकेतर एवं अन्य लोगों को प्रेरित करने के लिए शपथ ग्रहण भी किया गया। मैम, पर्जन बीएड कॉलेज हमेशा से एक अहम भूमिका निभाई है और आज भी देखने मिला, क्या कुछ कहना चाहेंगे? भारत सरकार द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस है उसके तहत आज एनएसएस यूनिट पर्जन्य बीएड कॉलेज के मतदाता जागरूकता अभियान से शुरू किया है। हम कुसमा टांड मोड़ से ये एक रैली के स्वरूप यहाँ तक पहुँचे हैं इसके मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ पे हमने नुक्कड़ सभा आयोजन किया। हमारा मेन उद्देश्य है कि लोग इससे जागरूक हों कि मतदान कितना अति आवश्यक है, और देश के इस महापर्व में सभी अपना मतदान का प्रयोग करके इसमें सम्मिलित हों। मतदान के दिन में क्या आप लोग का कार्यक्रम है? मतदान के दिन तो ये सरकारी हमारे अवकाश रहता है, पर बच्चों सभी को ये समझाया गया है कि अपने मतदान का प्रयोग करें, खुद भी वोट दें, अपने आस पड़ोस सबको अवेयर करके सबको वोट देने के लिए प्रेरित किया जाए। आपको लगता है इस बार 80% का आंकड़ा टच करेगा? निश्चय टच करेगा, क्योंकि लोगों में अब पूर्व की तरह कोई यहाँ पे गलत फहमी या कोई इनके मन में कोई भाती या कुछ ऐसी चीज नहीं है। अब लोग जागरूक हो चुके हैं और सभी जन अपने अधिकार का प्रयोग करना सीख रहे हैं। जो पहली बार इस बार जो 18 साल के हुए तो नए मतदाता, उनको क्या आप जो है मैसेज दें? सभी वैसे मतदाता जो फर्स्ट टाइम अपने मत का प्रयोग करेंगे, उन सभी से ये निवेदन है कि वो जागरूक होके अपने शिक्षित दिमाग से सोच के वैसे लोगों का चयन करें जो अपने देश को भविष्य को निर्माण करने के लिए पूर्ण रूप से सहभागी बनेंगे। धन्यवाद। क्या कार्यक्रम चल? आज पर्जन्य बीएड कॉलेज की तरफ से मतदान जागरूकता रैली का कार्यक्रम था। इसमें हम लोग कुसमाटार मोड़ से दुर्गा मंदिर के आंगन में स्टूडेंट द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है, जिसमें हम लोग मतदान करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं इस सभा का माध्यम से, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व है, इसीलिए मतदान जरूर करें और अपने अगल बगल जितने भी हैं सभी को मतदान करवाने के लिए जरूर ले जाएं, क्योंकि यह एक अपना देश का अधिकार है, लोकतंत्र का पर्व है, तो मतदान करना भी जरूरी। चुनाव आयोग जैसे 80% का आंकड़ा जो है तय किया है, कम से कम यह मतदान है, आपको क्या लगता है सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में कितने प्रतिशत मतदान होने की संभावना है? देखिए, सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र में तो मतदान का प्रतिशत आगे ही रहता है। इस बार हम लोग उसमें और 10-12% मतदान बढ़ाने की
प्रयास कर रहे हैं और वो बढ़ेगा और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र सबसे आगे रहेगा।